What are they hiding? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एच के और आज हम बात करेंगे सुपर कमांडो ध्रुव के ओरिजिन स्टोरी की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की ओरिजिन स्टोरी। कहानी शुरू होती है जुपिटर सर्कस से, जहाँ पर लोग अपने कर्तव्य दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। और वहाँ पर ही होते हैं एक जोड़ा जिनको राधे श्याम कहा जाता है, जो कि ट्रेपीज का काम करते हैं। तो ट्रेपीज पे काम करते करते, यानी उछल कूद करते करते, तो लड़के ने पूछ ही लिया लड़की से कि तुम मुझे शादी करोगी? तो हाँ कह देती है लड़की, और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ समय बाद उनका लड़का हो जाता है, जिसका नाम वो ध्रुव रखते हैं। तो ध्रुव जुपिटर सर्कस में ही खेलता पढ़ता रहता है और सभी जानवरों के साथ खेलता है, साथ ही साथ सभी स्टंट भी सीख जाता है हर एक के साथ। गोली चलाना सीख जाता है, शेरों के साथ काम करना सीख जाता है, यानी कि ट्रेपीज का भी काम, स्टंटमैन का भी काम, सभी काम सीख जाता है वो जुपिटर सर्कस में बड़ा होते होते। इतने काम सीखने के बाद वो सबसे स्किल्ड वर्कर बन जाता है जुपिटर सर्कस का, जो कि हर एक काम कर सकता है, हर एक स्टंट कर सकता है। वो अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि वो हर एक काम अच्छे ढंग से कर पाए, सभी जानवरों के साथ सभी स्टंट करना। लेकिन एक ग्लोब सर्कस वाला है, जो कि दुश्मन होते हैं जुपिटर सर्कस वाले के, वो एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो गया था ध्रुव के इतने स्टंटबाजियों और इतने नए लड़के को देखने के लिए। उनका धंधा चौपट हो गया था और जुपिटर सर्कस पर भीड़ लगी रहती थी, तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो जुपिटर सर्कस को बर्बाद कर देंगे। तो ग्लोब सर्कस वाले एक बंदे को हायर करते हैं ताकि वो जुपिटर सर्कस को ख़त्म कर सके। तो वो बंदा जागता है और प्लान बनाता है कि कैसे मैं ख़त्म कर सकता हूँ जुपिटर सर्कस को। तो वो एक रात तेल के कंटेनर के साथ घुस जाता है चुपके से जुपिटर सर्कस के अंदर, और वहाँ पर सारे जगह तेल बिखरा देता है चारों तरफ। तो एक बंदा देख लेता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी मार देता है। चारों तरफ तेल फैला देता है वो, और पर्दों में भी तेल लगा देता है ताकि हर जगह आग लग जाए। फिर वहाँ पर शुरू करने से पहले एक बंदा वहाँ देख लेता है उसको आग लगाने से पहले, जो कि शाम ही होता है, लेकिन वो तब तक आग लगा चुका होता है बंदा, और वहाँ आग लग जाती है। तो ध्रुव देखता है कि आग, वो तेज़ी से बाहर जाता है, देखता है कि इधर उसके पापा और वो बंदा लड़ रहे हैं और उसको पीट देते हैं और आग में फेंक देते हैं, और वो वहीं पे मर जाता है। तो ध्रुव और उसकी भी थोड़ी लड़ाई होने ही वाली होती है कि वो भाग जाता है और कार में चले जाके भाग जाता है, और फिर वो बाइक लेके ध्रुव उनके पीछे जाता है। लेकिन तब तक जुपिटर सर्कस का हर एक बंदा मर जाता है आग के अंदर, लेकिन ध्रुव उस बंदे का पीछा करता रहता है। तो पीछे बैठा बंदा उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो ध्रुव गोलियों से बच जाता है क्योंकि वो इतना स्किल्ड था, लेकिन टायर पर गोली लगने से वजह से वो गिर जाता है और वो भाग जाते हैं। लेकिन वो पलट कर सर्कस की तरफ जाता है, फिर देखता है कि हर जगह आग ही आग है और सबके सब मर गए, वो बिल्कुल अकेला रह गया। तो वो प्लेज लेता है कि मैं पकड़ कर रहूँगा जिसने भी यहाँ पर ये ऐसा काम किया और इतने बंदे को मार दिया, मैं ये बंदे को सबक सबका के ही रहूँगा। तो वहाँ ग्लोब सर्कस वाला कहता है कि वो ध्रुव बच गया। तो क्या, तुमने ध्रुव को क्यों नहीं मारा, उसको तो मारना ही था। तो वो कहता है चिंता मत करिए, मैं अब उसको मार दूँगा। तो वो कहता है ठीक है, मार डालो। तो ध्रुव भी ये सब पकड़ की कोशिश कर रहा होता है उन बंदों को, और वो अलग अलग स्टंट करके उस ग्लोब सर्कस के अंदर चला जाता है और उनका पर्दाफाश निकालने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो बंदों को पकड़ लेता है और पता चल जाता है उसे कि वो ग्लोब सर्कस वाले ही थे। तो वो उनसे लड़ाई करने भागता है और वो उस बंदे को गिरा देता है और पीटने लग जाता है। तो वो फिर उनके बॉस के पास जाता है और उसको भी मारने लग जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, और उसको वो बांध देता है रस्सी से, लेकिन ऊपर से कोई खींच लेता है और उसको मारने लग जाता है, और उसको वो ध्रुव को वो रस्सियों से बांध देते हैं और फिर एक शेर को छोड़ देते हैं मारने के लिए। लेकिन वो शेर मारने लग रहा होता है कि तभी वो रस्सियों को काट देता है शेर,
क्योंकि ध्रुव शेर से बातें कर सकता है। फिर वो उन सबको भी पीटने लग जाता है लोगों को, और वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं वो, और शेर उनका पीछा करता है और उस बंदे को पकड़ देता है और नीचे गिरा के मारने लग जाते हैं। तो वो जो बॉस था वो कहता है कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो ध्रुव उसको मारता है और गिरा देता है नीचे, और फिर पर्दे काट देता है और कहता है कि लेकिन कोई अपराधी को मैं मार दूंगा तो फिर वो कैसा मैं भी तो अपराधी हो गया। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर के जाता है और कहता है कि ये मैंने पकड़ लिए ग्लोब सर्कस वाले जिन्होंने इतने सारे कारनामे किए थे। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर उनसे बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम अनाथ हो गए हो, चलो तुम मेरे अब बहादुर बेटे बनो, और वो ध्रुव को एडॉप्ट कर लेता है। अब राजन मेहरा का लड़का बन जाता है ध्रुव। तो ये थी दोस्तों सुपर कमांडो ध्रुव की ओरिजिन स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों मैं हूँ HK, और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।